अधिवक्ताओं का कलमबद्ध हड़ताल समाप्त हो गया है। देर शाम तक अधिवक्ताओं की चली बैठक के बाद आंदोलन समाप्त करते हुए सोमवार से न्यायिक कार्य पर वापस लौटने का फैसला लिया गया। आइए देखते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट। कोविड 19 को देखते हुए सरकार के निर्देशों के आलोक में सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसे लेकर मंगलवार से वकीलों की कलमबद्ध हड़ताल चल रही थी, जो शनिवार की बैठक के बाद समाप्त हो गई। हजारीबाग बार संघ परिसर में इसे लेकर आहूत बैठक में झारखंड राज्य बार काउंसिल से चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा, सदस्य राजकुमार, सदस्य ए के रशीदी शामिल हुए। वहीं हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा उर्फ मन्ने, सचिव हीरालाल, उपाध्यक्ष भैया संजय कुमार, राकेश बख्शी, ममता श्रीवास्तव, शबनम प्रवीण, नेहा अंजुम समेत काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। मंच का संचालन अधिवक्ता राजप्रकाश कर रहे थे। हड़ताल को लेकर विचार विमर्श के बाद सदस्यों ने प्रधान जिला जज अरुण कुमार राय से जाकर मुलाकात की और वकीलों की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया, जिसके बाद कुछ शर्तों के साथ वकीलों ने अपने पेन डाउन स्ट्राइक को वापस ले लिया। अब सोमवार यानी 8 से कोर्ट फिजिकल और वर्चुअल तरीके से चलेगा। बताया जा रहा है कि कुछ विशेष शर्तों के साथ कोर्ट में अधिवक्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा। विदित हो कि फिजिकल कोर्ट के खुलते ही बार संघ के अधिवक्ता पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए थे। सभी अधिवक्ता कोर्ट परिसर में जाने की मांग कोर्ट प्रशासन से कर रहे थे। हम देखते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। झारखंड राज्य काउंसिल से वहाँ से खड़े हैं और ये अपनी बात को रखते हैं हमारे बीच, और हम चाहेंगे कि ये गली है। मैंने फोन से संपर्क किया था सर आपसे, एक प्रेस वाले थोड़ा सा अरे चार बज गया, जाना है वहाँ किया था। क्या निकलने के बाद क्या क्षण के बाद आता है हम लोग को बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग ये जो लोग आए हैं उनका नाम है मैं हीरालाल यहाँ का जनरल बार काउंसिल के चेयरमैन और जितने भी सदस्य हैं। हाँ तो आइए अब हम अध्यक्ष से बात करते हैं। बार काउंसिल के चेयरमैन आए हुए हैं हमारे और उनके साथ दो सदस्य भी हैं, रसीदी जी हैं, राजकुमार जी हैं। अभी जो मीटिंग हुआ उस संबंध में हमारे पीडीजे से बात करने के लिए गए हैं। देखिए वहाँ से क्या छन कर आता है, क्या विचार कराता है, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति। उसके बाद जीबी में निर्णय लेंगे। सभी जनरल लोगों को सभी अधिवक्ताओं को जनरल सभी अधिवक्ताओं को सभी अधिवक्ताओं का एंट्री हम लोगों को दिया जाए कोर्ट कैंपस में, ताकि और सब जितना सुविधाजनक काम आज तो बड़ा गहमा गहमी और बाढ़ का जो नज़ारा देखने को मिला, और ये नज़ारा रांची से झारखंड राज्य काउंसिल से जो आए हैं प्रतिनिधि राजेंद्र कृष्णा जी वो, लेकिन जा रहे हैं ये क्या नज़ारा था उसके बारे कुछ बताना चाहेंगे। 2 तारीख से आप लोग पेन रुके हुए हैं, कलम बंद किए हुए हैं, तो बताना चाहते हैं। आपने जो कहा अभी सब गहमा गहमी, बिल्कुल सही कथन है आपका। ये गहमा गहमी हजारीबाग बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने लिया,
सिर्फ इसलिए लिया कि हजारीबाग की जनता या जो लिटिगेंट्स या जो क्लाइंट्स हमारे न्यायालय परिसर में आते हैं उनकी एंट्री पर रोक के लिए लिया गया और इसी के लिए अधिवक्ता लोग पेन डाउन स्ट्राइक के चले गए। 2 तारीख से फिजिकल कोर्ट नहीं हो रही है ना होने दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। जो वकीलों को परिसर में घुसने से रोका जा रहा है, बिना वकील के कोई कोर्ट किसी भी केस का निस्तारण नहीं कर सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है। इसी के लिए हजारीबाग के अधिवक्तागण और खास कर जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं यंग लॉयर्स इसी की मांग रखे और इसी के लिए लड़ रहे हैं और ये कलम पर हड़ताल हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक न्यायालय परिसर में हमें एंट्री नहीं दी जाती है। ये जो अभी कहा आपने कि रांची झारखंड हाईकोर्ट से आए हुए वो हमारे चेयरमैन हैं राजेंद्र कृष्णा जी, स्टेट बार काउंसिल चेयरमैन, और हमारे हजारीबाग के खुद सदस्य राजकुमार राजू जी और एके रफी जी साहब, ये तीनों प्रतिनिधिमंडल बना करके अभी हमारे जज जिला जज के पास हमारे प्रस्ताव को रखने के लिए गए हैं कि हजारीबाग न्यायालय को जल्द से जल्द फिजिकल के रूप में खोला जाए, जिसके कारण वकील के साथ साथ मुंशी हो, स्टोन हो, हमारे टीगन, तो सबको परेशानी हो रही है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इसी मांगों का समर्थन करते हुए हम अधिवक्ता के आज भी पैन डाउन है, कल भी रहेंगे, गाड़ी हमारी मांगे नहीं। तो आप देख रहे हैं हजारीबाग से, जी हाँ, अधिवक्ताओं का ये जो आक्रोश है 5 तारीख से ही ये लोग कलम बंद किए हुए हैं। और अभी जो नज़ारा था मैं आपको दिखाया, संतोष कुमार के साथ, संतोष कुमार सेमरम के साथ, मैं प्रदीप पाठक, आवाज़ डेली, हर्षित टीवी। एक सेकंड और,